मध्य प्रदेश आनंद विभाग के हर घर दीपावली कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय आनंद संस्थान द्वारा दीपावली पर कमजोर वर्ग के लोगों को जरूरत का सामान वितरण किया गया था। उसके बाद आज रविवार को जिला अस्पताल में मरीजों को फल, दूध के पैकेट और बिस्किट वितरण किए गए। जानकारी देते हुए नितिन कुमार बबेले ने बताया कि प्रमुख सचिव आनंद विभाग द्वारा वीसी के माध्यम से आदेश किया गया था कि दिवाली के दिन कमजोर वर्ग के लोगों को जरूरत का सामान जैसे कि मिट्टी के दीप, बत्ती, पूजन की सामग्री, पटाखे वितरण किया जाए, जिसको लेकर राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग टीकमगढ़ द्वारा दिवाली के दिन कमजोर वर्ग के लोगों को ये सामान वितरण किया गया था। उसके बाद आज जिला अस्पताल में संस्थान द्वारा जरूरतमंद लोगों को फल, बिस्किट और दूध के पैकेट वितरण किए गए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जी, ये फल बांटे गए हैं, किस उसमें बांटे गए? जी, मैं नितिन कुमार बबेले, जिला संपर्क व्यक्ति राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग जिला टीकमगढ़, और हमारे साथी सभी आनंदम सहयोगी वैदेही जी, रविंद्र जी, कैलाश जी और आशीष मिश्रा जी, हमारे राज्यपाल पुरस्कृत श्री आसाराम कुशवाहा जी, तो हमारे सभी आनंदम सहयोगियों के द्वारा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन आनंद विभाग के द्वारा एक बीसी में निर्देश दिया गया था 20 अक्टूबर को, जिसमें हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य आनंद संस्थान भी सम्मिलित थे। तो उसमें हर घर दिवाली कार्यक्रम अंतर्गत पूरे ज़िले में हम लोग जाके और जो कमज़ोर वर्ग है, जो ज़रूरतमंद वर्ग है, जिसके पास में कुछ है नहीं है, दीपावली पर वो दिया भी नहीं जला सकता, उनके लिए हम लोगों ने दिए, बाती, पूरा पूजन सामग्री, उनके लिए कंबल, फुलझड़ी, और आज जो है हम लोगों ने कुछ ज़रूरतमंदों को जो राहत सामग्री प्रदाय की है, उसमें दूध के पैकेट हैं और कुछ बिस्किट हैं, ब्रेड का पैकेट है, कुछ फल हैं जैसे केला है, सेब है, तो इन लोगों को दिया। एक्चुअली ये सेवा नहीं है, ये हम लोगों का कर्तव्य है, जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करना हम लोगों का कर्तव्य है। तो हम लोग सभी मिल के कंट्रीब्यूट करके हम लोगों ने किया है, और जिला प्रशासन भी इसमें साथ में है हमारे, और हम सभी लोग ऐसे कार्यक्रम पूरे वर्ष भर आयोजित करते हैं जिससे हमारे गरीब और कमज़ोर वर्ग को लाभ हो। जी नमन, बताइए आप, आज जो फल वितरण हुआ है और इस उपलक्ष्य में हुआ है। जी, वास्तव में अभी हमारे यहाँ राज्य शासन से हर घर दिवाली चल रहा है, उसमें हमारे प्रमुख सचिव द्वारा हम लोगों को बीसी में बताया गया और निर्देश दिए गए कि इस तरीके से हम एक आयोजन करें, गरीब तबके के जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं उन तक हम कैसे दीपावली का जो त्यौहार है वो मना सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी 5 दिन पहले दीपावली के दिन आदिवासी बस्ती में भी पटाखे वगैरह, मिठाई वगैरह इसका वितरण किया, और आज हमने अपने यहाँ पे आईसीयू वार्ड्स और जो शल्य चिकित्सा वाले और वार्ड थे, इन सभी वार्डों में फल वितरण और बिस्किट, जो भी मरीज के लिए अवेलेबल चीज़ें हैं जो उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, उन चीज़ों का वितरण किया। इसमें हमारे सारे आनंदम सहयोगी और विवेक जी, नितिन जी, ऋतु जी, आशीष, रविंद्र, इन सभी का योगदान रहा, और हमारे राज्य शासन और मध्य प्रदेश शासन, साथ में हमारे जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा, और हमारी जो टीम है पत्रकारों की टीम भी, इन लोगों का भी हमें बहुत सहयोग रहा, और इन चीज़ों से ये मैसेज दूसरों तक पहुँचे कि हम अपने स्तर पर एक ऐसा चीज़ करें कि दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो और ज़रूरतमंद तक हमारी सेवा पहुँच सके। धन्यवाद। क्या संदेश दिया है आपने? हम लोगों की आनंद संस्थान में जो भी हैं, हम ही सारे सदस्य, तो हम ही मरीजों के लिए क्या है, थोड़ी छोटी छोटी खुशियां हम उनके साथ बांटना चाहते हैं, और यहां पर जो भी एडमिट हैं, जो भी मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनके लिए बस यही संदेश है, और उनके लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रार्थनाएँ भी की हैं कि वह जल्दी स्वस्थ हों, आप अच्छा स्वस्थ धारण करें और अच्छे स्वस्थ होकर अपने अपने परिवार में जाएं, अपने अपना रूटीन का वर्क करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।